इधर मध्य प्रदेश की उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा बुधवार शाम अलीराजपुर पहुंचे। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी अनीता चौहान के समर्थन में जनसंपर्क किया। देवड़ा शहर के एमजी रोड पर पैदल निकले और घर घर जाकर लोगों से संवाद किया। मीडिया से चर्चा में उन्होंने प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतने का दावा किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी जिले में संभावित सभा को लेकर उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कांग्रेस की जमीन पूरी तरीके से खिसक चुकी है, इसलिए कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भाजपा में आ रहे हैं। रतलाम संसदीय सीट पर भी भाजपा प्रचंड वोटों से चुनाव जीतने जा रही है। हमें लोकसभा का चुनाव चरम सीमा पर है और मुझे लगता है कि इस मध्य प्रदेश में 29 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी। 29 सीट पर हम जीतेंगे। यहाँ पर अभी सीट हमारी जो बहन अनीता जी चौहान, हमारी श्रीमती जो उम्मीदवार है, मुझे लगता है कि रिकॉर्ड तोड़ मतों से हमारी जीत होगी।